ਨਾਰੰਗਾ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਟੋਰੰਗਾ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਕੋਵ ਸ਼ਿਪ ਸੈਂਟਰ ਬੋਟਲ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਜੋ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਆਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। पूरी जानकारी अनुसार स्टोर विच काम करदे कर्मचारी कोल दो नौजवान आए जिन्हां विचों एक दे हाथ विच बर्बन दा खुला कैन सी अते लोड़ तो वध नशे विच लग रहा सी। कर्मचारी ने उन्हां तों मुआफी मंगदिया सर्विस ना देण दी गल आखी जिस ते एक नौजवान ने कर्मचारी दे मूंह ते मुक्के मारने शुरू कर दिते। चरणजीत ढिल्लों अनुसार चंगी किस्मत नूं अजिहे हालातां नाल निजिठण लई कर्मचारियों नूं पिछे हटण अते अपने बचाव दी प्रक्रिया सिखाई जांदी है। इस करके कर्मचारी अपना बचाव करन विच कामयाब रहा अते दूजे पासे दोनों नौजवान जांदे होए कुछ सिगरेट अते कुछ होर समान ले गए। पुलिस मौके ते पुज गई सी पर हजे तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उथे ही दूजे पासे कर्मचारी इस घटना तो बाद दिमागी तौर ते परेशान है पर चंगी गल ए है कि उसनू हस्पताल लेके जाण दी कोई लोड़ नहीं पई। ब्यूरो रिपोर्ट अनखीला पंजाब टीवी।